स्कूल खुलते ही एग्जामिनेशन नहीं लेने हैं, ऑनलाइन पढ़ाई को आप इम्पोर्टेंस दीजिए लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं देने हैं, और ऑफलाइन पहले पढ़ा लीजिए जून के एंड और जुलाई में, उसी के बाद ही आपको एग्जामिनेशन लेने हैं। यानी कि यदि आपके यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट होने हैं तो उसको जुलाई के मिड से एंड तक रखिए, उसको पहले मत लीजिए। यह एक क्लियर और स्पष्ट नोटिफिकेशन है, और केवल ऑनलाइन पढ़ाई के आधार पर आप एग्जाम कंडक्ट करने जा रहे हैं तो ये गलत है, और इसके लिए पहले स्टूडेंट को लिवरेज यानी कि लिबरेट्स, और दोनों वर्ड को आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि स्टूडेंट को पहले मौका दीजिए कि उन्होंने क्या पढ़ा है और जो पढ़ा है वो क्या सही मामले में ग्रैस्प किया है, और जो CISE का सिलेबस है ICSE एंड ISE के लिए, उन दोनों को ध्यान में रखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से। और वो ये नोटिफिकेशन था जिसको कि मैं यहाँ पर देख रहा था, ये नोटिफिकेशन का लिंक है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इस नोटिफिकेशन के आधार पर ये कहा गया है कि जो बातें कही गई है मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, कि स्टूडेंट को जब एटलीस्ट क्लास में 30 डेज के क्लास चलते हैं या कम से कम 30 क्लास होते हैं तो उसके बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के राइट्स बनते हैं। और यह भी कहा गया है कि और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, पीरियोडिक टेस्ट हो, या फिर आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर को इंक्लूड किया जाना जरूरी है। किसी एक तरह के क्वेश्चंस के आधार पर आप स्टूडेंट को टारगेट नहीं करेंगे, यानी कि आपके 20 मार्क्स के एग्जामिनेशन है, 30 मार्क्स के एग्जामिनेशन है, या इवन कह लीजिए कि आपके 80 मार्क्स के एग्जामिनेशन है। सारे एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, वन वर्ड क्वेश्चंस होंगे, टू मार्कर क्वेश्चंस होंगे, वन मार्कर क्वेश्चंस होंगे, और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में वैल्यू देने होंगे। यह बात CBSE ने साफ साफ कही है, और उसका एक दूसरा लेटेस्ट अपडेट है जिसको मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखला दे रहा हूँ, वो 24th of June को जारी किया है, और इसमें साफ साफ कहा, खास करके ISE क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। थोड़ा सा मैं वो भी आपको देख लेता हूँ यहाँ पर, उसको मैं लाया था, आज स्कूल ले गया था पढ़ाने के लिए, तो मैं लाया था तो बताता हूँ कि ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट क्लास 12th ISE के लिए है और क्लास 10th के लिए लागू देर सवेर हो ही जाना है। उसमें कहा गया है कि रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग, या फिर जिस तरह के रिजल्ट को लेकर स्कूलों ने CISE को रिक्वेस्ट भेजी और कहा कि देखिए हमारे स्टूडेंट को इस तरह से जो मार्क्स आने हैं, तो ISE क्लास 12th और ICSE क्लास 10th के लिए भी कहा गया है कि आप रिजल्ट के लिए वेट कीजिए, और जो CISE रिजल्ट दे देती है उसको ही ऑल इन ऑल मानिए, उसमें कोई चेंजेज नहीं होंगे। यानी रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, या यूं कह लीजिए जो भी आपके सिस्टम है बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद के, इसमें ज़्यादा CISE फिर बदल नहीं करने वाली है। तो इन बातों को याद रखिए, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपको ये दो बुक 10 ईयर से इसको दिखलाना चाहूँगा, ये ISE के लिए है और ये ICSE के लिए है, और इनमें प्रत्येक सब्जेक्ट को शामिल किया गया। ये साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है, और इसमें जितने भी साधारण सब्जेक्ट हैं जैसे कि होम साइंस हो गया, फिर फिजिकल एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सबको शामिल किया गया, और ये साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें भी सारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन मैथमेटिक्स को शामिल किया गया, तो वो आपके अप्रैल का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये है। तो आप इनको परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बने रही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना याद